नमस्कार, स्टेट मेल टीवी पर सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर क्षेत्र में तैनात फतेहाबाद के गांव बोस्ती निवासी सेना के जवान मनदीप सिंह एक सैन्य ऑपरेशन के तहत शहीद होने का समाचार है। मनदीप की उम्र 25 साल है और वह 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। हरियाणा सरकार ने भट्टूकला के मार्केट कमेटी सचिव दिलावर सिंह का तबादला तोसाम कर दिया है। उनके स्थान पर तोसाम के मार्केट कमेटी सचिव अमरजीत सिंह को भट्टूकला का मार्केट कमेटी सचिव लगाया गया है। शिक्षा विभाग ने 10वीं में 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से आरंभ होकर 29 अप्रैल तक चलेगी, वहीं 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से आरंभ होकर 26 अप्रैल तक चलेगी। जिला फतेहाबाद के यूक्रेन में फंसे 45 छात्रों में से 8 बच्चे वापिस आ चुके हैं, जबकि चंदोकला के 5 लोग पोलैंड में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। इन बच्चों ने इंडिया लौटने से इनकार कर दिया है। वापिस लौटने वालों में सुमित समेण पहुंच गया है, नागपुर निवासी विनोद बिश्नोई दिल्ली पहुंच चुका है, बुर्ज निवासी विकास हिसार आ गया है, बैजलपुर निवासी अमित भी अपने गांव आ गया है, जमालपुर की सिमरन आ चुकी है, जबकि भुन्ना निवासी दृष्टि को फ्लाइट मिल गई है। वही भुन्ना निवासी सायना घर लौट आई है तो भुन्ना की ही प्रिया भी अपने परिवार के पास पहुंच चुकी है, जबकि चंदोकला के अमनदीप, दीक्षा, अमनदीप का 6 माह का बेटा गगन कुलविंदर कौर ने इंडिया वापिस आने से इनकार कर दिया है। चंदोकला का यह परिवार पोलैंड में अपने रिश्तेदार के घर चला गया है। अभी फतेहाबाद जिला के 32 छात्रों को रेस्क्यू किया जाना बाकी है।